बाराबंकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने बिजली के तारों की डकैती करने वाले अंतर जनपदीय डकैतों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। 17 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये डकैत उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्यों में बिजली के तारों की पहले रैकी करते थे, उसके बाद ये घटना को अंजाम देते थे। बाराबंकी में इन डकैतों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन बाराबंकी पुलिस के हत्थे ये डकैत बच नहीं पाए। इस संबंध में क्या बोले एसपी बाराबंकी अनुराग वत्स, आप भी सुने। ताकि आपको पता ही है कि 5 तारीख को बाराबंकी के जनपद बाराबंकी के कोतवाली नगर थाने में एलएनटी के गोडाउन में कुछ हथियारबंद लोगों ने गार्ड को बंधक बना के एक घटना कारित की थी, जिसमें कि वो काफ़ी मात्रा में बिजली का तार और स्क्रैप मटेरियल लेकर चले गए थे। इस घटना के तत्काल बाद सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे थे। इसका फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया था और हमारे द्वारा घटना को वर्कआउट करने के लिए 5 टीमें गठित की गई थी और उसी क्रम में हमारे एडिशनल एसपी नॉर्थ और हमारे सीओ सिटी के निर्देशन में हमारी स्वाट और थाना की टीम, उन्होंने इस एक बहुत ही हिस्टोरिक केस को वर्कआउट किया है, जिसमें कि पुलिस ने अब तक इसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। और न केवल गिरफ्तार किया बल्कि इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त जो DCM थी, जो घटना में प्रयुक्त जो टाटा लोडर था, वो भी बरामद किया है। इसके अलावा लगभग 30 क्विंटल इसमें जो तार था वो पुलिस ने बरामद किया है। 4.5 क्विंटल का जो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का जो स्क्रैप था पुलिस ने वो भी बरामद किया है। 80,000 रुपये इसमें नकद मिले हैं, 3 तमंचा और 6 जिंदा कारतूस। एक गैंग पकड़ा गया है, इस गैंग के 2 भागों में हम इस गैंग को बांट सकते हैं। एक गैंग जो डकैती का है, जो डकैती करता है, जो मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडे के रहने वाले हैं, और जो बाकी जो दूसरे गैंग के जो गैंग का जो दूसरा पार्ट है, जो लूटे हुए या चोरी किए गए माल को खपत करते हैं, वो कानपुर के रहने वाले कबाड़ी हैं, जिसमें कि प्रमोद जायसवाल इसमें जो इनका मुख्य कबाड़ी था वो भी गिरफ्तार हुआ है। प्रमोद जायसवाल के अलावा इसमें 2 लोग अभी वांछित हैं, जिनका नाम है आमिर उर्फ मुन्नू और प्रेम गुप्ता। ये दोनों लोग कानपुर के रहने वाले हैं, इनको अभी गिरफ्तार करने की अभी शेष बचते हैं। बाकी 17 लोग आज पुलिस इसमें गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। ये हमारी पूरी टीम ने बहुत टाइम बाउंड मैनर में एक बहुत ही बड़ा गुड वर्क किया है, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारे ADC जोन महोदय द्वारा भी टीम की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और उनके द्वारा इसमें 1,00,000 रुपए का इनाम इस पूरी टीम को, जिन्होंने गुड वर्क किया, उनको घोषणा की गई है देने की। साथ ही मेरे द्वारा भी हमारी इस पूरी टीम को DG कमेंडेशन देने के लिए संस्तुति की जाएगी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारी बाराबंकी टीम आगे भी इसी प्रकार के गुड वर्क करती रहे और इसी डेडिकेशन के साथ अपराध नियंत्रण पर काम करो।